नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेनिंग 24 पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो लेते ही आपको तीन इस तरह के एक्सेसरी जो कि गाड़ी को एक बिल्कुल ही आवश्यकता होता है कि पहले ही लगाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एक्सेसरीज हैं जो आपको लगा लेने चाहिए। तो चलिए आपको हम एक्सेसरीज लगाने के साथ साथ आपको दिखाते भी हैं कि हम कौन कौन सा एक्सेसरीज इसमें लगाए हुए हैं गाड़ी में, क्या प्राइसिंग क्या पड़ने वाला है आपको। उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल एक्सेसरीज भी होता है जो कि आप लगा सकते हैं, बट ये तीन एक्सेसरीज जो कि मेजर है आपको लगा लेने चाहिए। आपको ये पीछे वाला बम्पर लगा लेना है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में चलते हैं या फिर मार्केट में कभी भी चलते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पीछे वाला जो होता है वो हमेशा सटा देते रहता है, या फिर आपको अगर कभी बैक अगर करते हैं तो भी अगर कुछ इस तरह का अगर छोटा मोटा भी सामान रहता है अगर पीछे तो आपको इस जगह आपको लग सकता है स्क्रैच वगैरह से लग जाएगा। और मेनली आपको ट्रैफिक में हमेशा ही आपको जो है छोटे गाड़ी सब इसमें सटाते रहता है, जैसे कि बाइक वगैरह सब और साइकिल रिक्शा सब, तो ये एकदम बेहद ही ज़रूरत है। ये हम इसको लगाए हुए डाइजेक्स का है और ये ड्राइवर के लिए ही आता है और ये हर एक गाड़ी के लिए आ जाता है, तो आपको ये सबसे पहले लगा लेना चाहिए। अगर इसका प्राइसिंग की बात करा जाए तो ये आपको मार्केट टू मार्केट वेरी कर सकता है, और आप इसको जितना बार्गेनिंग भी कर सकते हो तो बार्गेनिंग पर भी ऊपर नीचे हो सकता है, और मार्केट टू मार्केट ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना दिया है। हम जहाँ लगाए और हमको जहाँ लगाया हुआ है ये 2500 रुपीज़ लगा हुआ था, 2500 रुपये में ये लगा हुआ था। कहीं कहीं इससे कम भी लग जाता है और कहीं इससे थोड़ा ज़्यादा भी आपको प्राइसिंग पड़ सकता है, तो आप इसको मार्केट टू मार्केट देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड दिखाते हैं कि गाड़ी को आप अंदर में क्या लगाएं, क्योंकि बाहर में ये मेनली यही लगाया हुआ है मैंने, और इसके बाद बाहर अंदर में दो चीज़ है तो आपको इंटीरियर में दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इंटीरियर का, कि अंदर में दो ऐसे क्या मेजर एक्सेसरीज है जो हमने लगवाया हुआ है। तो उसमें एक हम पहला जो है वो सीट कवर है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरा हर एक सीट पे लगा हुआ है, ये पूरा सीट कवर है। इसमें आप अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग हर तरह का आप लगा सकते हैं, तो ये 6 सीट में लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। इसका सीट में आपको पूरा स्टेपल किया हुआ है, इसमें किसी में भी स्टिचिंग वाला नहीं है, तो आप अगर स्टिचिंग आपको पसंद है तो आप स्टिचिंग वाला भी लगवा सकते हैं, बट हाँ सीट कवर आपको अवश्य लगवा लेना चाहिए। इधर आप देख पा रहे हैं जहाँ कि आप फ्रंट साइड का सीट सबसे पहले रो में देख पा रहे हैं, जहाँ कि आपको इसको हम थोड़ा फोल्ड करके दिखा पा रहे हैं कि इसका किस तरह का इसमें जो स्टेपल किया हुआ है तो किस तरह का है, सही से है या नहीं है। तो इसको अगर आप पूरा फोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरह का है, अगर आप पीछे साइड से देख पा रहे हैं। इसका अगर स्टिचिंग की बात करा जाए तो काफ़ी सही है, इसमें कुछ तरह का प्रॉब्लम इस तरह का इसमें नहीं आ रहा कि कहीं लूज वगैरह सब इस तरह का नहीं हुआ। अभी ये हमको लगाए हुए कुछ दिन हो गया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस तरह का इसमें कोई भी लूजिंग का प्रॉब्लम इसमें नहीं आया हुआ कि इधर आप कहीं भी कर सकते हैं। तो बाकी आप इसके अगर करीब से देख पा रहे हैं अगर सीट का स्टिचिंग वगैरह सब में, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अभी आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, जैसे कि पीछे साइड वाले अगर कुछ खा पी रहे हैं तो इसमें रख सकता है, पॉकेट है। उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ आपको स्टेपल किया हुआ नजर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि इधर यहाँ 1 2 3 यहाँ स्टेपल किया हुआ है, ये स्टिच नहीं किया हुआ था। साथ ही साथ हर एक सीट में इसी तरह से जहाँ भी जरूरत पड़ता है उसको स्टिचिंग का, वहाँ पे स्टेपल कर दिया गया हुआ है। ये भी आप देख पा रहे हैं ये मिडिल रो है, यहाँ पे आप बीच वाले रो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी पूरा सीट का कवर लगा हुआ है, और इसमें आपको ये देख पा रहे हैं कि ये हेडरेस्ट में अलग से लगा हुआ है और इसका भी स्टिचिंग किया हुआ है, सॉरी स्टिचिंग नहीं किया हुआ, इसमें भी स्टेपल दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ भी इसमें स्टेपल किया हुआ है, इसमें भी स्टिचिंग नहीं है, तो कहीं भी इसमें स्टिचिंग नहीं नजर आएगा। इसमें आपको स्टिच नहीं किया करना पड़ा हुआ है, इसमें आपको इसी तरह दे दिया। हाँ अगर आप चाहें तो इसको स्टिच करवा सकते हैं, बट इसमें स्टिच नहीं किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको स्टिच कर देगा तो ये रहेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर सीट बेल्ट के लिए, जैसे कि ये 3 आदमी का है तो यहाँ पे 3 हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको ये कट मिलेगा, क्योंकि ये सीट अगर फिक्स उसी के हिसाब से आता है जिस गाड़ी का, उसी अपने गाड़ी के हिसाब से आता है, तो ड्राइवर के लिए ही है, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे कट नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी सीट को आपको कट कहीं भी नहीं करना पड़ता है लगाने के लिए। इधर आप थर्ड रो का देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सीट फोल्डेबल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे ये दिखने को मिल जाएगा, तो क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट है, ये अलग आता है और इसको अलग लगाना पड़ता है, इसमें दोनों में स्टिच किया हुआ रहेगा, इसका अलग है चुटकी तो इसमें अलग स्टिचिंग, इसका अलग रहेगा। दोस्तों ये था दूसरा मेजर एक्सेसरी जो कि आप देखें कि सीट कवर था। उसके बाद अगर तीसरा का बात करा जाए, चूंकि थर्ड में ऐसा क्या चीज लगाए हुए, तो थर्ड में लगाए हुए हम ये मैट, ये आप देख पा रहे हैं ये लेमिनेटेड मैट है, ये आप लगवा सकते हैं और लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जब भी आप जैसे कि अगर गाड़ी में अगर कुछ यूज करते हैं, अगर जैसे कि अगर पानी वगैरह सब अगर वो गिर जाता है तो नीचे का जो है वो फ्लो खराब हो सकता है, इस वजह से ये लगाना चाहिए। ये लेमिनेटेड, ये वाटरप्रूफ रहता है, बहुत लोग इस पर फोल्डेबल रखते हैं जैसे कि ग्रास टाइप वाला सब, तो वो आप लगा सकते हैं, बट इसको लगाने के बाद इसको आपको पहले लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और ये फिक्स्ड होता है, तो ये इधर उधर स्किड नहीं करेगा, जबकि वो जो होता है अगर आप फोल्डेबल रखिएगा तो हट जाता है और हर जगह वो नहीं जाता है। तो आप इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये चारों तरफ और पूरे गाड़ी में लगा हुआ है,
जैसा कि आपको अगर इधर की तरफ देखेंगे तो ये पूरा लगा हुआ है और यहाँ सीट के लिए स्पेस यहाँ पे केवल कट कर दिया गया हुआ है। उसके बाद जो भी जहाँ पे अगर फिक्स्ड करने वाला है वहाँ फिक्स्ड रहता है। पीछे का सीट है, यहाँ पे भी पूरे गाड़ी पीछे तरफ लगा हुआ है। इसमें अगर आपको इसको पीछे की तरफ से आपको दिखाएंगे तो इधर भी देख पा रहे, इधर टोटल इधर सीट कवर के सीट के अंदर तक लगा हुआ है। दोस्तों ये लेमिनेट करने के लिए आपको पूरा सीट को हटा देगा, इसमें से पूरा सीट को फोल्ड कर देगा, उसके बाद ये पूरे को लगाएगा और ये जो है इसको भी फोल्ड करके इसके अंदर के तरफ दिया जाता है। तो इसके जिससे कि ये पूरा पैक्ड रहेगा, इधर खुलेगा नहीं, चारों तरफ ये साइड साइड से इसी हिसाब से आपको दिया रहेगा कि ये पूरा पैक्ड बिल्कुल ही आपको लगेगा नहीं कि ये बाहर से ऐसा लगा हुआ है और खाली तरह से है, तो इस तरह से आपको लगेगा। इधर की तरफ आप देख पा रहे हैं जैसे कि कितना ये कचरा हुआ है, थर्ड रो पे ज़्यादा यूज नहीं होता अभी तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ देख पा रहे हैं आप कितना कचरा, बट इसको आपको इजी पड़ेगा आप साफ़ करने के लिए, अगर आप वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं तो भी, और या फिर अगर आप कपड़ा से भी साफ़ करवाते हैं जैसे कि वॉशिंग सेंटर में तो वहाँ भी आपको वो कपड़ा से साफ़ करता है, तो वहाँ कपड़ा भिजा करके करता है तो उस वक्त भी बढ़िया से बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। और इसको क्लीन करवाते हैं हम तो अंदर बाहर पूरा क्लीन करवा देते हैं तो बिल्कुल ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और ईजिली हो जाता है। इसी तरह मैट आगे तक पूरा कवर किया हुआ है, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर यहाँ तक पूरा कवर किया रहता है, जहाँ तक आपको ये जो अंडर का मैट दिया हुआ रहता है कंपनी वाला वहाँ तक ऑलमोस्ट पूरा कवर किया रहता है। और ये आपको चिपका हुआ रहता है, यहाँ पे एक चिपकाने वाला दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये चिपक जाता है, ये आपको गिरने वाला नहीं है आपको, तो ये आपको पूरा एकदम फिक्स्ड रहेगा। इधर भी आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसको स्टिच किया रहता है पूरा, जो आपको पता नहीं चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं होने वाला कि ये इधर से निकल जाएगा। तो ये था तीन मेजर एसेसरीज जो कि आपको दिखाया है कि बाहर के लिए एक था और अंदर में दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप इसके साथ एडिशनल भी लगा सकते हैं, बट ये तीन मेजर है जो कि आपको अवश्य पहले लगा लेना चाहिए। बात करा जाए इसकी प्राइसिंग का, तो आपको हम बाहर वाले एसेसरी जो कि आपको बम्पर है उसका बता ही चुके हैं, जो कि 2500 में आता है, मार्केट पर फ्लक्चुएट कर सकता है, आपको कहीं ज़्यादा भी आ सकता है और कहीं कम भी प्राइस पड़ सकता है। उसके बाद अगर सीट और इस मेट का अगर बात करें तो इस दोनों का प्राइस हम करीब इसका 6500 रुपीज़ यानी कि 6500 रुपया दिए हुए थे, 6500 रुपया। आपको ये कहीं ज़्यादा भी आपको प्राइसिंग लग सकता है और कहीं कम भी, हाँ थोड़ा बहुत उसके बाद आपको क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, तो आप जिस क्वालिटी का लेंगे उस पर आपको दाम उस हिसाब से लगेगा, बट आपको ये तीन मेजर चीज़ों की आपको लगा ही लेनी चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।